श्री पूर्णानंद कांस्टेबल जीडी 204 कोबरा सीआरपीएफ मरणोपरांत। इरापल्ली क्षेत्र में प्रमुख माओवादी नेताओं की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना प्राप्त होने पर 9 फरवरी 2020 को एक संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई। अगले दिन सुबह 5:30 बजे 3 हमलावर टीमों में विभाजित होने की रणनीति के तहत दल आगे बढ़ा। तभी टीम ने माओवादियों को आईईडी लगाते देखा। जवानों ने माओवादियों का पीछा किया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। माओवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी का जवाब जवानों ने डट कर दिया। माओवादी भाग खड़े हुए। फिर से तलाशी के दौरान माओवादियों की भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पार्टी कमांडर ने कांस्टेबल पूर्णानंद तथा उनके साथियों को माओवादियों पर पार्श्व भाग से हमला करने का निर्देश दिया। स्काउट कांस्टेबल पूर्णानंद बेजोड़ शूरवीरता का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी के बीच कवरिंग फायर के साथ कवर से बाहर निकले और उन्होंने माओवादियों पर मुंह तोड़ जवाबी फायर किया। गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बाद भी अंतिम सांस तक वे माओवादियों पर बड़ी जाबाजी से गोलियां चलाते रहे। इस प्रकार कांस्टेबल पूर्णानंद ने समय पर सहयोग कर न सिर्फ साथी कमांडो की जान बचाई बल्कि माओवादियों को सैन्य टुकड़ी का घेराव करने से रोका तथा असाधारण कर्तव्य परायणता और विशिष्ट वीरता का परिचय देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा हेतु स्वयं को न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय श्री पूर्णानंद की माता श्रीमती उर्मिला बाई तथा पिता श्री लक्ष्मण साहू।